हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मैली। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं डिसर्टेशन के अंदर कौन से टाइप के हमें रिसर्च करने चाहिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च। तो चलिए हम अब बात करते हैं दोनों के बारे में डिटेल में। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों के बारे में। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा होता है वो रियल टाइम डेटा होता है, जब सेकेंडरी डेटा होता है वो रिसर्च किया हुआ होता है, वो रियल टाइम डेटा नहीं होता है। प्राइमरी डेटा के अंदर आपको काफ़ी सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो फिल्टर किया हुआ प्रॉपर डेटा होता है, बिकॉज ऑफ किसी ने इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया होता है। उसके बाद आता है कि प्राइमरी डेटा आपको जब कलेक्ट करने जाते हैं तो उसमें काफ़ी एक्सपेंस लगता है, उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती। जब सेकेंडरी डेटा होता है वो प्री डिफाइंड बना हुआ डेटा मिल जाता है आपको, तो वो इकोनॉमिकली आपको चीपेस्ट रहता है रिसर्च के अंदर। उसके बाद आता है जब आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी डेटा किसी ने कलेक्ट किया होता है, प्राइमरी में आप खुद वो डेटा कलेक्ट करते हो तो एक्यूरेसी में कंपेरेटिवली प्राइमरी में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद होता है प्राइमरी डेटा आपका फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जब सेकेंडरी डेटा होता है वो सेकेंड हैंड डेटा होता है, किसी का यूज़ किया हुआ आपने जो लिया है वो होता है। उसके बाद जब प्राइमरी डेटा आप रिसर्च करते हो तो उसके अंदर आपका डेटा लेने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ आपको हर एक जो भी आपका रिसर्च के जो पार्ट्स होते हैं लाइक कंपनी या फिर पर्सन या फिर मैनेजरल लेवल, जो भी आपके रिसर्च के पार्ट होते हैं उन सभी के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके डेटा कलेक्ट करना रहता है, तो उसके लिए आपको टाइम काफ़ी लगता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी आपको ईजिली मिल जाता है। और जब डेटा आप कलेक्ट करते हो तो आपको सेम यूज़र से ही कलेक्ट करना पड़ता है, एक आपकी जो भी रिसर्च की जो क्राइटेरिया होती है उसी हिसाब से। जब सेकेंडरी डेटा आप कलेक्ट करते हो तो सेकेंडरी डेटा आपको डिफरेंट पर्सन जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है वो डेटा आप लेके यूज़ कर सकते हो, तो ये डिफरेंस रहता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में। प्राइमरी डेटा का एडवांटेज ये होता है कि आपको डेटा जब भी चाहिए होता है वो प्रॉपरली पर्टिकुलर डिटेल के साथ मिल जाता है, हाँ, बट उसमें आपको रॉ डेटा काफ़ी मिल जाता है तो उसको आपको फिल्टर करके प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है। जब सेकेंडरी डेटा आप यूज़ करते हो तो आपको कम टाइम में किसी का डेटा यूज़ किया हुआ मिल जाता है, तो उसके डिटेल्स आप लेके ईजिली आपका रिसर्च को आगे स्टार्ट कर सकते हो। प्राइमरी डेटा जब आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको काफ़ी सिक्योरिटीज़, फॉर एग्जांपल आपको एथिकल्स की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसको ध्यान में रखनी चाहिए। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जब रिसर्च के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज के कोर्सेज में, तो उसके अंदर उनको प्राइमरी डेटा जब सिलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी डेटा में उनको एथिकल फॉर्म भर के उसको अप्रूवल करना ज़रूरी होता है, ताकि जो भी कंपनी या फिर उनके जो भी रिसर्च के जो पर्टिकुलर्स डोमेन होते हैं उनके पास से जो डिटेल कलेक्ट करने वाले होते हैं वो डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए, और जो डिटेल ले रहे हैं और दे रहे हैं वो भी प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं, तो वो इथिकली अप्रूवल होगा तो वो प्राइमरी रिसर्च उनका आगे फिर कन्फर्म होके चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही है आज के वीडियो में कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इकोनॉमिकली आप उसको अफोर्ड कर पाते हो, और मेन चीज़ होती है स्टूडेंट को टाइम की, तो आपका टाइम प्राइमरी डेटा में काफ़ी जाता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो इट्स उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको सेकेंडरी डेटा पे जाके आपका रिसर्च कम्प्लीट करना है या प्राइमरी डेटा पे जाके आपको रिसर्च कम्प्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो यहाँ पर आज मैंने क्लियर किया। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।